और आज हमने लाइव करने की कोशिश की किंतु हम नहीं कर पाए क्योंकि पूरा कनेक्शन बहुत था, तो इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो ही बना रही हूँ। तो आज हम पहले माँ प्रकृति को प्रणाम करते हैं, ओम जाप हवन यज्ञ करते हैं और फिर विधिवत उन प्राणायाम और मुद्राओं का ज्ञान आपको मैं देती जाऊँगी जिनका शायद मैं इतना विस्तार से इसमें कह ना पाऊँगी कि मुझे भी स्वयं का ध्यान करना है और शांति की प्राप्ति करनी है। तो मैं इसमें ही जोड़ दूँगी और वीडियोस बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो शुरू करते हैं मानो दोबारा से, आप भी शुरू कीजिए। तो आप सब लोग देखते हैं किंतु शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति हर कोई चाहता है। तो एक साधारण सा प्राणों का व्यायाम है, हमें ये उच्च शिक्षा प्रदान करता है किंतु लोग जानकर भी अनजान हर अभ्यास से वंचित हो ना जाने किस बात को अपने मन में बिठा कर सोचते हैं कि हम आज नकारात्मक जा रहे हैं, कितने नकारात्मक व्यवहार में जी रहे हैं। स्ट्रेस और लिविंग स्टाइल को चेंज करना, यही प्राणायाम हमें नियंत्रण और साधना के द्वारा प्राप्त किया गया, एक अमूल्य उपहार है भगवान शिव द्वारा और परम प्रकृति द्वारा बनाया गया। तो आज फिर से हम ज्ञान मुद्रा और विभिन्न मुद्राओं को बदलते हुए, क्योंकि मेरी आत्मिक ऊर्जा मुझे संचालित करती है और वास्तव में ब्रह्म नाड़ी ही सत्य का निरूपक तत्व है, तो हम ओम का जाप शुरू करते हैं। ओम हवन यज्ञ, ठीक है। तो और ये भी मैंने यूज़ किया है, ये भी हमें ध्यान करने में बड़ा ही सहायक है, इसकी सहायता से हम बहुत अच्छे से ध्यान कर पाते हैं। चैंटिंग, तो आप भी इस तरह के म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं, अभी हो चुके हैं 18:10, टाइम क्या हुआ है 18:51, ठीक है 6:51, ठीक है। तो हम 10 मिनट ही करने वाले हैं, 10 मिनट का पूरा म्यूजिक है। अरे काफ़ी देर से चला, मैं दोबारा रीसेट कर देती हूँ म्यूजिक को। रीसेट किया, ये 10 मिनट का है तो हम 10 मिनट पूरा ओम जाप करेंगे और श्वासों की गहराई पर ध्यान कीजिए। या आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा, श्वास रोक सकते हैं और श्वास रोकते हैं मूलाधार चक्र पे। आप जो नाड़ी है, मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैंने आज और सीखा है, मूलाधार चक्र एक नाड़ी है हमारी, विद्युत ऊर्जा का प्रसार, आत्मा ऊर्जा का प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कोशिश करना, यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करना, पूरा यहाँ से पीछे मेरुदंड में होते हो उस नाड़ी पर ध्यान देने की कोशिश करना। पीछे तो सोचना, श्वास को ना, सांसों की गति को पीछे की साइड ले जाने की कोशिश करना। जब तुम श्वास भरोगी, न्यू रोकी, मणिपुर चक्र में रोकी, फिर मूलाधार चक्र यानी नीचे से टाइट किया, तो जब श्वास रुकेंगे तो श्वास जब ऊपर चढ़ाएंगे ना, जब श्वास ऊपर चढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो सोचना कि यहाँ पे चढ़ रही है पीछे की नाड़ी में प्रवेश कराने, ये हमें मतलब सोचना है। चलिए जल्दी करो मानो, yum.
चमत्कार चिन्ह में प्रथम अग्नि को जागृत कर हमारी आत्मचिंता को जागृत करने में सहायता प्रदान करते हैं और शांति और परम शक्तियों की जागृति में सहायता। लाम लाम शुद्धि का कुछ अनुभव होगा और हम ओम का निरंतर जाप करते हैं परम शांति और परम चैतन्य की प्राप्ति के लिए। अपने प्राणायाम यानी कि अपने स्वास्थ्य को साधने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा व्यायाम जो तन मन आत्मा शुद्ध और शांत करता है और कोशिश ये करके आप आँख बंद ही रखें और जिस मुद्रा में है उस मुद्रा में ये अभ्यास करें। अगर आपसे आपकी आंतरिक चेतना कहती है तो मुद्रा बदले तो आप बदल सकते हैं पर आप आँख बंद रखिएगा।
और इस तरह से मैं आप लोगों की कल्पना से बदल के ये आपके भगवान बुद्ध की मुद्रा है, ये आपकी वो मुद्रा है जो ध्यान मुद्रा कहलाती है, और ये आपके आकाश मुद्रा है। तो इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं, श्वास करते हैं देवी सर। और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए प्रथम कोटि शक्ति का आवाहन करें, अनंत कोटि की आपका ध्यान करें, आपका चक्र ये योनि मुद्रा है। आंखों के पास लाई योनि मुद्रा को मैं आपको इंस्ट्रक्ट करती जाऊंगी साथ साथ। आज जब हम श्वास भर के रोकेंगे तब हमें बिल्कुल ध्यान में शांत रहना है। क्षेपण मुद्रा में आ जाएंगे तो इसे अभ्यास करेंगे। तीनों चक्रों के यानी कि तीन मूल बंद चक्र हैं जिन्हें मणिपुर चक्र और आपका मूलाधार चक्र और आपका ये जो है यहाँ पर यम चक्र यानी कि जलंधर बंद कहा गया है इसको, और इधर लोकन्ना वायु को तो आपको कहा गया है इधर राम यानी मणिपुर चक्र, और नीचे सबसे है गुरु चक्र। तो वहाँ पे थोड़ा सा बुद्ध द्वार को लाइटिंग के द्वारा थोड़ा बंद करके फिर इस तरह से पेट में रोकना, समझ जाते जब फिर यहाँ पर भी रोकना जलंधर बंद कर जाता है। तो हम ये वाला कर रहे हैं क्षेपण मुद्रा के साथ, यानी कि पूरी जानकारी मैं आपको बात रखूंगी। पेट में हवा को रोक सकते हैं। जोर मत दो किसी भी चीज पर, जितना होता है उतना करो, ठीक है ना? पानी ये लो, पानी चलिए। तीनों बंदों के साथ यानी कि नीचे के मतलब कोशिश कीजिएगा श्वास अंदर भरते हैं वही पेट में थोड़ा रोकेंगे, और फिर एकदम से हल्का सा लाइटिंग के द्वारा थोड़ा सा ऊपर उठाना, उठ जाए हल्का सा, और फिर यहाँ पे रोकना है श्वास में। और हमेशा प्राणायाम खुली हवा में करना चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनि और योगिक संस्थाएं समझा रहे हैं, पर वो पैसे कमाने के लिए ही समझा रहे हैं। और भगवान शिव कहते हैं जो इस बात के लिए पैसा लेता है वो ना तो उसका सच्चा भक्त है, ना ही वो सच्चा साधक है, ना वो कभी सिद्धियों को प्राप्त करता, ना वो शांति को प्राप्त करता, ना ही वो परम चेतना को प्राप्त करता। इसलिए बिना पैसों के निस्वार्थ भाव से आप लोगों को सिखाएं। वास्तव में इस तरह से लोग आना कठिन है, लेकिन किंतु जो आए अच्छा है, ना आए तो स्वयं का ध्यान करें, ठीक है? फिर से क्षेपण मुद्रा के साथ पहली बोर्ड की मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा है, महाध्यान की मुद्रा है। पीछे हो जाओ मानू, चलो
शुरू करते हैं, ठीक है? इसी में कई बात है। मेरे बब्बू नहीं है, और इस मुद्रा को माँ चैतन्य की मुद्रा भी कहते हैं। तो इस वक्त ध्यान हम पीछे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहीं पर माथे के। चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कमर सीधी रखी, ज्यादा कमर सीधी रखी, तुम लोगों ने भी रखी। अरे भाई ये क्या हो गया, सेटअप करना देख कितना मैं ही सब कह रहा है, मैं लाइट